गुड मॉर्निंग, नाउ टेक पेज नंबर 73, चैप्टर 24, शॉर्ट फॉर्म। वी ऑफन यूज शॉर्ट फॉर्म व्हेन स्पीक वन अनदर। बहुत सी जगह पे हम शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं जब हम बातचीत करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आई एम, तो उसके लिए हम आई और सिर्फ एम लिखेंगे, यू आर। समटाइम्स वी यूज शॉर्ट फॉर्म इन राइटिंग इंग्लिश, बट दे आर मोस्टली यूज इन स्पोकन इंग्लिश। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे वर्ड है कि जो हम इंग्लिश स्पीक करने के लिए तो राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आई एम, तो उसका आई एम किससे लिखते हैं वो आपको स्पेशली देखना है, क्योंकि ज़्यादातर बोलने में तो आई एम का आप आई एम बोलोगे तो चलेगा, बट लिखने में आपको कैसे लिखना है इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। ही इज़, तो ही इज़ का ही लिखेंगे। फिर इज लिखने से पहले हमें क्या करना है, ये मात जो है वो आपको बनाना है। जैसे कि ही इज, तो इज का सिर्फ एस लिखेंगे, उससे पहले जो ये मार्क बनाते हैं वो करना है, लाइक दिस। ओके, सी इज, सीज, इट इज, इट्स, आई विल बोलेंगे तो आई विल ही। ओके, यू विल, दे विल, he will, she will, we are, you are, they are। बोलने में सेम बट लिखने में डिफरेंस है, सो सी इट carefully। दिस आर सेंटेंस विथ शॉर्ट फॉर्म। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो ही डायरेक्टली बताया है। ही इज माई ब्रदर, सी इज गुड गर्ल, आई विल गो टू मार्केट इन द इवनिंग, he will bring fruits from the market, fifth, we are in class first, you are new in the school। अब he is my brother, यह मेरा भाई। she is good girl, यह good girl है। I will go to market in the evening, शाम को मैं बाजार जाऊंगी। he will bring fruits from the market, वो मार्केट से फ्रूट लाएगा। वी आर इन क्लास फर्स्ट, हम क्लास फर्स्ट में हैं। यू आर न्यू इन स्कूल, इन द स्कूल, आप स्कूल में न्यू हो। अब री राइट सेंटेंस यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रिंटेड इन कलर। अब जो पिंक कलर के वर्ड दिख रहे हैं उसका शॉर्ट फॉर्म बनाना है। सी इज माई कजिन, आई एम ओल्डर देन हर, ये मेरी कजिन है, आई एम ओल्डर देन हर, मैं उससे बड़ी हूँ। तो देखो सी इज का और आई एम का मैंने शॉर्ट फॉर्म करके बताया है वो कैसे करना है। देन नंबर टू, सी इज रेडी फॉर द बर्थडे पार्टी, सी विल कम बैक लेट। सी इज रेडी फॉर बर्थडे पार्टी, सी विल कम बैक लेट, वो पार्टी के लिए रेडी हो रही है, वो थोड़ा लेट आएगी। तो सी इज का मैंने कैसे किया है, सी इज अलग लिखा हुआ है, इसका सी इज और सी विल का डब्ल्यू आर डबल एल है, तो सिर्फ डबल एल ही हम लिखेंगे। ओके, नंबर थर्ड, मोहन इज एट द टॉय शॉप, ही इज बाइंग एन एरोप्लेन फॉर हिज सन। मोहन है वो टॉय की शॉप पे है और वो बाइंग मिल के खरीदना, एरोप्लेन है वो अपने सन के लिए परचेस कर रहा है, उसका लड़का, उसके सन मीन उसका लड़का, उसके लिए वो टॉय एरोप्लेन परचेस कर रहा है। तो उसका ही इसका हीज मैंने बनाया है, देख रहा हूँ। फोर्थ, दे विल नॉट गो टू आगरा, इट इज़ वेरी फार, वो आगरा नहीं जा रहा है क्योंकि वो बहुत दूर है। फिफ्थ, द चिल्ड्रन प्लेड फॉर 2 आवर्स, बच्चे 2 कलाक से खेल रहे हैं, 2 आवर्स, तो दे आर का शॉर्ट फॉर्म दे और फिर आर लिखना है शॉर्ट में, आर ई। नंबर फिफ्थ हो गया, नंबर सिक्स, आई एम रोहित बेस्ट फ्रेंड, इज इन माई क्लास, मैं रोहित का बेस्ट फ्रेंड हूँ, वो मेरी क्लास में पढ़ रहा है। ही इसको क्रॉस आउट करके आपको उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है। सेवन्थ,
She will come to my house today if it does not rain. अगर आज बारिश नहीं हुई तो वो मेरे घर पे आएगी. 8. Rina is hungry. She is eating sandwiches. रीना को भूख लगी है, वो सैंडविच खा रही है. तो सी इसका सोचो करो सीस. 9. You have not yet made salad. I will help you. आपने अभी तक सलाद बनाया नहीं है, मैं आपकी मदद करूँगी. तो आई विल का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे. 10. We are getting ready to go out for a picnic. I am very happy. हम पिकनिक जाने के लिए रेडी है. सो आई एम वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश है. सो यहाँ पे हमें आई एम का शॉर्ट फॉर्म लिखना है. ओके स्टूडेंट, तो लाइक दिस यू हैव ऑल्सो कम्प्लीट टिल पेज नंबर 74 इन इंग्लिश ग्रामर बुक. ओके, थैंक यू वेरी मच.